नमो बुद्धाय साथियों साथियों, आज मैं पंचवर्गीय कमलकुंड बुद्ध विहार में हूँ और मेरे साथ हैं परम पूज्य भंते लोकपाल जी, जिनसे हम जानेंगे तथागत बुद्ध और उनके धर्म के विषय में कि आखिर तथागत बुद्ध ने हमको जो धम्म दिया है तो उसके क्या सील हैं और क्या उसके मायने हैं, क्या हम उनके किसी ऐसे सिद्धांत की वजह से अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डाल के बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल स्ट्रगल ऑफ द अम्बेडकर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लोगों को नई नई जानकारी देने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, ये सही में एक विद्वान लोगों का काम होना चाहिए कि संसार को अच्छा करना है तो उसके लिए अच्छी अच्छी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। जब तक अच्छी अच्छी जानकारी हम पब्लिक में नहीं देंगे, सोसाइटी को नहीं देंगे, समाज के लोगों को नहीं देंगे, तब तक समाज में रिफॉर्मिंग का जो इसको बोलना चाहिए समाज का कार्य या समाज सुधार का काम जो है या धर्म में सुधार का काम है या धर्म को समझने का जो काम है, हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मंगल आशीर्वाद देता हूँ आपको और आपके चैनल के लिए कि ये पुण्य कर्म अच्छे ही लोगों के दिमाग में आता है। ये कुशल कर्म करने से ही समाज और स्वयं की और परिवारों की कुशल गति होगी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही लाजवाब है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक धर्म समझ में नहीं आएगा तब तक आचरण कौन करेगा। धर्म को जब तक हम सही मायने में समझेंगे नहीं तब तक उसका आचरण नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, लोगों ने धर्म को कैसे कैसे समझा है। कुछ लोगों ने तो पुरानी रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह से धर्म को समझे हुए हैं कि पूजा पाठ कर लेना हो गया धर्म, हमने धर्म का पालन कर लिया, या किसी परंपरा को निभा लेना धर्म का पालन। सही मायने में धर्म क्या है और उसका मानव जीवन में सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, उसे अपने आप को कैसे उठाया जा सकता है, ये बात समझने के लिए हमको चाहिए कि धर्म सही मायने में एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के साथ उचित व्यवहार करना है। व्यवहार में जो कार्य कुशलता कौशल्य जो होना चाहिए, कौशल्य यानी वो कला जीने की जो होना चाहिए, वो सही मायने में धर्म है। अब जीने की कला हमको सीखनी है तो स्तर जीने का तो बढ़ ही जाएगा, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं। जीवन का स्तर ऊंचा बढ़ेगा तो निश्चित है व्यक्ति की कीमत वैल्यू कद उसका ऊंचा जाएगा ही, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। पर सबसे बड़ी बात है धर्म में आदर्श होना बहुत जरूरी है। धर्म लिया हमने और आदर्श नहीं हुआ तो इसका मतलब है हमारा जीवन जीने का कोई नक्शा नहीं है। हमारे जो तथागत भगवान बुद्ध द्वारा दिया जो धम्म है, बुद्धत्व की ओर ले जाने वाली जो शिक्षा है, जो अनुभव है, उसको ही धम्म बोलते। तो उसके लिए आदर्श को जानना बहुत जरूरी है। आदर्श हमारा जरूरी है। आदर्श क्या होता है? जीवन का नमूना होता है, जीवन का नक्शा होता है। हम कोई भी बिल्डिंग मकान बनाए तो सबसे पहले नक्शा निर्माण करते हैं। नक्शा में अगर अव्वल दर्जे का नक्शा है तो उसी नक्शा को हम जमीन पर उतार सकते हैं। तो धम्म में जो आदर्श हैं बुद्ध और बोधिसत्व होते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है। अब आदर्श सही मायने में क्यों जरूरी है ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों का कोई आदर्श नहीं होता उनका जीवन ऐसे होता है रेलगाड़ी की बिना टिकट की यात्रा जैसा, धक पक लगी रहती है, दुविधा में ही जीवन निकल जाता है, संशय में ही रहते, और कहाँ वो उतरेंगे, कहाँ कौन सा लक्ष्य है वो भी उनको मालूम नहीं रहता, हमेशा दबाव में रहते।
भावनाओं के दबाव में, विचारों के दबाव में, क्योंकि हमने जो बिना टिकट यात्रा करते हैं तो हमें अन्य पुलिस का दबाव अलग रहता, दूसरी चीज़ों का दबाव अलग रहता, नैतिक दबाव अलग बना रहता है, हम लोगों में कैसे बात करेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, चित्त पर तसल्ली नहीं रहती है। तो सही मायने में अगर हमें जीवन शांतिपूर्ण और अच्छे और जीवन स्तर ऊंचा उठाना है तो हमको आदर्श होना बहुत जरूरी है। और भारत का अगर मामला देखा जाए तो भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध से बड़ा आदर्श हो भी कौन सकता है। ये संसार के सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं और इन्हीं आदर्शों द्वारा धर्म की स्थापना हुई है। और धर्म में बोला है कि भाई, क्योंकि हमारा आदर्श बुद्धत्व प्राप्त आदर्श है, पूर्णता प्राप्त आदर्श है, पवित्रता में पूर्णता प्राप्त आदर्श है, ये पूर्ण नैतिक है, इसलिए यहाँ विकास की गारंटी है, शांति की गारंटी है, श्रेष्ठता की गारंटी है। इसलिए हमको अपने आदर्श को स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरे जीवन का जीने का नक्शा है, और उसके हिसाब से मनुष्य स्वयं अपने आदर्शों को जब याद करेगा तो उसको शरण जाएगा। शरण जाने का मतलब है जीवन की सारी समस्याएं का हल उन आदर्श में ढूंढेगा, धर्म में ढूंढेगा, सारा विवेक को अप करने में, जैसे आदर्श ने अपना विवेक को अप किया है, ऊपर उठाया है, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल ऊपर उठाया है, ऐसे वो खुद भी उठाएगा, उसमें क्या क्या लगता है वो खुद करेगा, इसलिए शरण गमन करेगा। और अगर शरण गमन अच्छी तरह से होता है तो हम अच्छा बीज बोते हैं तो फूल फल भी वैसे ही आते हैं, तो हमारा शीलाचरण अच्छा होगा, और जब शीलाचरण अच्छा होगा तो हमारा व्यवहार पक्का अच्छा होना ही है। अभी हम नकारात्मकता है हमारी सारी खत्म हो जाएगी और हम सकारात्मक शीलों की ओर जाना शुरू कर देते, जिसमें मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, शांति है, सद्भाव है, सहनशीलता है, ये सत्यता है, इन गुणों का बहुत मात्रा में प्रवेश हो जाता है। और गुणों की वृद्धि होना इस बात की गारंटी है कि ये व्यक्ति भविष्य में और अब सही बन सकता है और ये भरोसा किया जा सकता है। इसलिए भरोसेमंद व्यक्ति बनने के लिए, भरोसेमंद समाज बनाने के लिए एकता और अखंडता और मैत्री और न्याय का आचरण करने के लिए हमें धम्म की बहुत जरूरत है, इसलिए हमको ये धम्म अपनाना चाहिए। तो बंते जी, आपने बताया कि सीलों को ग्रहण करके कोई व्यक्ति आदर्श बन सकता है, तो तथागत बुद्ध के आपने करुणा प्रज्ञा सील बताए, तो और उनके मूल आधार स्तंभ क्या है धम्म के? क्या एक आम जो परिवारजन व्यक्ति होता है उसके लिए क्या धम्म में नीति निर्धारित की गई है, उस विषय पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए। सबसे बड़ी बात है हम बहुत बड़े सिद्धांत नहीं समझ पाए, तो सही मायने में पंचशील का खैर दूसरे लोग भी पालन करते हैं, कुछ नैतिक और विद्वान लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वे पंचशील का पालन करते हैं, लेकिन पंचशील पालन करने से भी बुद्धिस्ट नहीं बनते, पंचशील पालन करने से भी बुद्धिस्ट नहीं बनते, नहीं बनते। ये बहुत ही सुंदर बात बता रहा हूँ, इसको अरे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि पंचशील पालन करने के साथ साथ श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा शरण गमन से आती है, और श्रद्धा का ही परिवर्तन जो है वीर में बदलता है, यानी कुशल एनर्जी में बदलता है जो आनंद देने वाली, और जब वो कुशल एनर्जी बदलती है तो स्मृति आती है, स्मृति हमारी पक्की होती है, और जब हमारी स्मृति पक्की होती है तो हमारी समाधि पक्की होती है, समाधि से कॉन्सेंट्रेशन आता है और कॉन्सेंट्रेशन से हमारा विजडम खुलता है, ये ही श्रद्धा प्रज्ञा में बदल जाती है। लेकिन इस बदलने के लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसलिए हमको शरण गमन बहुत जरूरी है। हम बार बार शरण गमन में क्या बुद्ध इस तरह से ध्यान मुद्रा में क्यों बैठे रहते,
बुद्ध कहते हैं इंट्रोपेक्स और अवर सेल्फ, अपने आप के अंदर झांक के देखो, तुम्हारा खुद का द्वंद्व तुमको समझ में आ गया तो संसार का द्वंद्व समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हारा खुद का द्वंद्व अंदर जो चल रहा है वो समझ में नहीं आया तो तुम संसार का द्वंद्व क्या समझोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इसलिए इस द्वंद्व को शांत करने का कोई साधन है तो बुद्ध का धम्म है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी बात है। तो ये ध्यान से शुरू होता है, ध्यान है, वंदना है, फिर उसका मनन है, चिंतन है, इसी में हमको लगा रहना चाहिए। और हमको ज़्यादा नहीं तो महीना में 4 उपोषण तो जरूर करना चाहिए। 4 उपोषण का मतलब हम 24 घंटे एक उपोषण पर अगर हम चिंतन करते रहेंगे तो महीना में 4 सील हमारे पुष्ट हो जाएंगे, और 4 सील पुष्ट हो जाएंगे उतना ही जीवन हमारा सुंदर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी। पूज्य पंत जी, मैंने अपने जो बौद्ध धर्म आपने जो बताए, अपने सारा चीज़ें आपने विस्तृत रूप से बताई, तो तथागत बुद्ध ने दुख के निवारण के लिए भी बौद्ध धर्म में बहुत कुछ बताया है। तो उस दुख निवारण वाले जो सत्य हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा आप बताइए। दुख निवारण वाली बात है कि तथागत भगवान बुद्ध ने सफरिंग को बहुत अच्छी तरह से लिया, और सफरिंग यानी दुख, सही मायने में दुख इंसान के लिए अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि जब तक दुख नहीं आता जब तक आदमी जागृत नहीं होता, दुख से भी सीखना चाहिए। किस कमी के कारण दुख आया उसके कारण पर हम पहुंचते हैं, इसलिए दुख आता है तब ये सारी चीज़ें हम में होती हैं। तो दुख आर्य सत्य है पहले नंबर, और दुख आर्य सत्य जब समझ में आता है, दुख का कारण और आर्य सत्य है इस बात का जब समझ में आता है हमको, जब हम सही को सही कहें और गलत को गलत कहें। अगर सत्य को हम असत्य कहते रहे तो दुख समझ में नहीं आएगा, सत्य हमें मिलने वाला नहीं है, और असत्य को सत्य कहते रहे तब भी सत्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए सत्य को सत्य कहें और असत्य को असत्य कहें, सत्य को सत्य कहना असत्य को असत्य कहना, यही सम्यक दृष्टि है। जब ये सम्यक दृष्टि से दुख को समझ लेगा तो दुख के कारण को भी समझ लेगा, जब कारण खत्म हो जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा, निवारण हो जाएगा, निरोध हो जाएगा उसका। और निरोध करने का सिस्टम दिया है बुद्ध ने, वैसे नहीं छोड़ा, उस सिस्टम में अपने आप को डालना उस दुख को खत्म करने के लिए, क्योंकि जो हमारा सम्यक दृष्टि है या सम्यक दर्शन है, दर्शन जो मार्ग है हमारा, विजन है हमारा माइंड का, या विवेक है हमारा, उस विजन के साथ साथ हमारा जो है भावना में बदलाव होना बहुत जरूरी है। यानी सम्यक संकल्प बहुत जरूरी है, और सम्यक संकल्प के अंदर 7 अंग आते हैं, और सम्यक दृष्टि के अंदर अकेला अंग आता है। सम्यक दृष्टि का प्रभाव सम्यक संकल्प पर पड़ता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का कोई काम है, बदलाव का कोई काम है, परिवर्तन का काम है, ये सम्यक संकल्प करता है। हम सोचते तो अच्छी अच्छी बातें लेकिन संकल्प में नहीं बदल पाते, इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन ही नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा तो दुख से हम कैसे निवृत्त होंगे? इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है, हमारी आदतों में बदलाव बहुत जरूरी है, विचारों में बदलाव बहुत जरूरी है, हमारी संवेदनाओं में बदलाव बहुत जरूरी है, हमारी सद्भावनाओं में बदलाव बहुत जरूरी है। तो सही मायने में हमारी सम्यक दृष्टि होने के बाद, सही को सही और गलत को गलत समझने के बाद, हम उस चीज़ को अपने जीवन में ढाल लेते हैं जिससे हमारा सारा जीवन बदल जाता है। सम्यक वाचा हो जाती, सम्यक कर्मांत हो जाता, और फिर सम्यक ही आजीविका करते हैं हम, झूठ छल कपट की आजीविका ही नहीं करते, और फिर सम्यक व्यायाम करते अपने मन में, हम वो गलत चीज़ों को आने ही नहीं देते, उन्हें हम क्या है क्या टाल देते हैं, जो चीज़ें गलत आ गई हैं उनको वहाँ के वहीं ख़त्म कर देते हैं, और
खत्म करने के बाद अच्छी चीज पैदा करते हैं, उसमें डेवलप करते हैं, और डेवलप करने के साथ साथ उसका संरक्षण भी करते हैं। और जैसे ही ये चार चीजें करते हैं तो स्मृति सुदृढ़ होती है, सुदृढ़ होती है तो स्मृति इस बात का ध्यान रखती है। और दुख के लिए स्मृति इतनी बड़ी पहरेदार है कि दुख को फटकने नहीं देगी, दुख को पास आने नहीं देगी, उसके कारण को भी नहीं। वो ऐसा समझना चाहिए उसको, वो सूक्ष्मदर्शी है, उस दुख के एक एक कण को खत्म कर देगी, फिर जीवन में कभी दुख आने वाला नहीं होगा। तो इस तरह से संपूर्ण दुख का निवारण हो जाता है। बहुत अच्छे धन्यवाद। अच्छा कि तथागत बुद्ध ने पुनर्जन्म के विषय में क्या बताया है, क्या पुनर्जन्म इस सृष्टि में है? है कैसे? सही मायने में बुद्ध ने जो परिभाषित किया है पुनर्जन्म के बजाय उन्होंने पुनर्भव की बात कही। पुनर्भव, पुनर्भव बुद्ध कहते हैं जो पुनर्भव होता है सबसे पहले क्या उसी व्यक्ति का होता है? अगर उस व्यक्ति का होता तो वैसा ही चेहरा होता, वैसा ही मोहरा होता। इसलिए बुद्ध का ऐसा है कि चार जो धाराएं हैं, पृथ्वी, आप, तेज और वायु, ये मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद में भी आकाश में विलीन होती हैं और उसके बाद में चलती रहती हैं। वापस जब दो चित्त एक साथ आते हैं तो ये चार धाराओं का जो मटेरियल है वो एक साथ आता है, और आने के बाद तत्वों का पुनर्भव होता है। तत्वों का क्या होता है? पुनर्भव से मिलन। हाँ, मिलन होता है। तो तत्वों का तो पुनर्जन्म बोल लीजिए, भव बोल लीजिए, वो होता है। रही अब व्यक्ति की बात, जब तत्व ही अलग अलग बदल गए, वही तत्व नहीं आते। इन तत्वों का तो होता है लेकिन उन्हीं तत्वों का नहीं होता जो उसके शरीर ने छोड़े हैं, इसलिए इसको भव बोला है, जन्म नहीं। वही चीजें वापस आती तो पुनर्जन्म हो जाता, और ये पुनर्भव हुआ, नया निर्माण हुआ है ना भाई। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं, रही अब विज्ञान वाली बात, जब ये चार तत्व एक साथ आते हैं तभी वो विज्ञान वापस आता है, विज्ञान वापस आता है। हाँ, तो तथागत भगवान बुद्ध ऐसा बोलते हैं। और हमारे मेरे पूर्व भिक्षु का भी बहुत अच्छा इस संबंध में, जो अभी दुनिया में नहीं रहे और महाथेरो थे, बहुत गहरा वो था, तो उनका भी ऐसा कहना था कि चित्त के साथ वायु, और वायु की वजह से जो आवाज़ बनती है ये भी रहती है। तो कभी कभी जैसे तथागत भगवान बुद्ध ने अपने पुराने उसके बाद में वो लिखा है अपनी जातक कथाओं में, वो उन्होंने अपने जातक कथा के पात्रों से अपना पुराने जन्म को, कहानियों को वहाँ सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया है। वो है नहीं, प्रयास किया है, उसको कन्विंस करने का प्रयास किया है। इसलिए यहाँ पुनर्जन्म ना बोल करके पुनर्भव होता है, क्योंकि मैं धम्मपद की दो तीन गाथाएं शुरुआत की पढ़ी थी, तो उसमें पुनर्जन्म के विषय में ही दो तीन बातें उसमें लिखी गई थी, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था। हाँ, अभी अभी सही मायने में देखा जाए पुनर्भव भी, पुनर्भव होता भी है और नहीं भी होता है। जो लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर जाते हैं, पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, जीते जी निर्वाण प्राप्त करते हैं, उनके पुनर्भव होने की संभावना ही नहीं है। जिन लोगों की आसक्तियां बच रहती हैं उनका पुनर्भव होता है। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि कभी तो बुद्ध संसार में है भी और नहीं भी है। बहुत अच्छे बंदे जी। एक अगला प्रश्न ये है बंदे जी कि तथागत बुद्ध ने जो भी ज्ञान प्राप्त संसार को, संसार से लिया और संसार को दिया, वो उन्हें ज्ञान प्राप्त आखिर हुआ कैसे? ऐसा क्या किया उन्होंने कि उन्हें वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हर एक कोई डिफाइन नहीं कर सकता, और सही मायने में ये समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो तथागत भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की जहाँ बात आती है, तो हम स्वयं बुद्ध भी कहते हैं, भिक्कू भी कहते हैं, भिक्कुओं को बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध पहले बताते हैं कि हमको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अब ध्यान से क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से हमारा नकारात्मक जो चित्त है वो सकारात्मक बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, नेगेटिविटी ट्रांसफॉर्म इनटू पॉजिटिविटी। और जब हमारी ये पॉजिटिविटी में बदल जाता है तो हमारे नई कुछ बातें खुलती हैं। पॉजिटिविटी इस ध्यान की शांति की वजह से ही आती है। सद्भावना भी, जो नकारात्मक भावना होती है वो सद्भावना में तब बदलती है जब ध्यान करता है। तो ध्यान जब तथागत भगवान बुद्ध ने किया तो चार रूप ध्यान उन्होंने रामपुत्र से और अपने गुरुओं से सीख लिए थे, फिर चार उन्होंने अरूप ध्यान भी सीख लिए थे, लेकिन तब भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं। फिर तथागत उस समय को याद करते हैं, अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करते हैं। आत्मनिरीक्षण का मतलब है सेल्फ एग्जामिन, अपने आप का परीक्षण करते हैं। और वो समय उनको याद आता है कि वो जब छोटेपन में थे और पिता के साथ गए और जो वहाँ कार्यक्रम चल रहा था आषाढ़ी पूर्णिमा का, तो उसमें जब वे जामुन के पेड़ के नीचे बैठे और उस समय जो अनुभव आया उन्हें रूप ध्यान का, वो अनुभव प्रथम रूप ध्यान को वो पकड़ते हैं और वहीं से उसी की गहराई में जाते हैं। फिर समता आती है, समता से विपश्यना आती है, और विपश्यना आने के बाद में उन्हें संसार का ज्ञान अर्जन होता है। तो इस तरह से तथागत भगवान बुद्ध को ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। सही मायने में अगर प्रैक्टिस सही वे से अगर चला जाए, अभी भी प्राप्त कर रहे हैं विपश्यना। पूज्य भंते जी, विपश्यना को थोड़ा सा और बताने का प्रयास करें कि आखिर विपश्यना होती कैसे है। विपश्यना की जहाँ बात आती है तो विपश्यना में दो चीजें होती हैं, ध्यान होते हैं, एक तो आनापान ध्यान होता है, दूसरा मैत्री भावना ध्यान होता है। ये क्या है कि एक दूसरे के लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे चित्त का लेवल भी बढ़ता है, और चित्त का लेवल बढ़ता है तो मनुष्यता का लेवल बढ़ता है। जब हम आनापान सति ध्यान करते हैं, यानी किसी पानी को हमने गर्म किया तो उस पानी की जो गंदगी है कहाँ आ जाएगी, तय पर आ जाएगी, इसलिए सारा विकार कहाँ आ जाएगा, सारा मूड में आ जाएगा। अब वो विकार कैसे साफ करना है, तो मैत्री भावना की जरूरत है। अब मैत्री से ये निथार दिया जाता है, निथारने के बाद साफ हो जाता है, फिर आनापान, फिर मैत्री, फिर आनापान। एक समय ऐसा आता है कि समता स्थिति हो जाती है, उससे ऊपर नहीं जाता। अब जब समता स्थिति हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन में समता की स्थिति होती जाती है, शांतता की स्थिति हो जाती है, वहाँ से फिर विपश्यना शुरू होती है। और उस विपश्यना वही सही मायने में हमको आंख देने वाली होती है, वो हमको ज्ञान देने वाली होती है, वो हमको सही मायने में हमारे जीवन का सृजन करने वाली होती है। क्योंकि जैसी दृष्टि हमको प्राप्त होती है वैसा ही सृष्टि हमको देती है। तो ये इस तरह से मुझे जो अनुभव है मैंने बताने का आप लोगों को प्रयास किया। बहुत अच्छा आपने बताया धम्म के विषय में। आज जो मौजूदा परिस्थिति भारत की है, वहाँ हमारा ये धम्म है, तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो कहाँ खड़ा है? बहुत अच्छी बात।
तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म है सही मायने में जिस व्यक्ति में खड़ा होता है वहां पूर्णतः सत्यता का पालन होता है। मां उस जगह पर हिंसा नहीं होती, हिंसा नहीं होती तो कलेश होने वाला ही नहीं। अशांति, असमाधानी ये सारी चीजें पैदा होने वाली नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो बेस है धर्म का हिंसा ना होकर के ही अहिंसा है। बौद्ध धर्म मैत्री है। जब हम मैत्री करेंगे तो मैत्री से क्या होती है, समता पैदा होती है। जब समता पैदा होती है तो समता में जीवन जीते हैं, बराबरी में जीवन जीते हैं, तो लोग स्वतंत्रता महसूस करते हैं। वाह वाह सुंदर, एक दूसरे का हितों की रक्षा करते हैं, उनको अपना भाई समझते हैं, भाईचारा पनपता है, बंधुत्व आता है। और जब बंधुत्व आता है तो कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ अन्याय नहीं करता, ना अन्याय का वातावरण बनाता है, न्यायिक व्यवहार होता है। जब यहाँ न्यायिक व्यवहार से मनुष्य के साथ न्यायिक बर्ताव होना शुरू हो गया तो उसका गरिमापूर्ण जीवन हो जाता है। भारत के संविधान ने ये तत्व दिए हैं, बुद्ध धर्म से लिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और गरिमा। लेकिन सही मायने में भारत के समाज में ये तत्व स्थापित नहीं हो पाए, क्योंकि पुराना जो रूढ़िवादी समाज है, जो जातिवादी समाज है, जाति जाति क्या करती है, ये कटुता का काम करती है। छोटी जाति जैसे दिमाग में आती है तो अपने से छोटे लेवल की जाति होने के कारण अपने आप उसके दिमाग में कटुता आ जाती, कटुता आ जाती, ये भ्रांति दौड़ रही है आपको, ये कटुता आ जाती है। और ये कटुता आ जाती है। अब सही मायने में मनुष्य और मनुष्य के बीच में कटुता रहेगी तब तक ना तो वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता, मित्र बन सकता, ना वो स्वतंत्र रह हो सकता, क्योंकि कटुता के कारण जो काम नहीं करना चाहिए उसे करेगा, वो अन्याय अत्याचार और बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, ऊंच नीच बढ़ेगी, भेदभाव बढ़ेगा, तो अन्याय होने वाला है, अनीति होने वाली है। जो पहली जो अनीति जमी हुई है उस अनीति को खत्म करने के लिए ही संविधान निर्माताओं ने ये सुंदर बौद्ध धर्म के तत्व लोकतंत्र में दिए, जिससे लोकतांत्रिक समाज बन सके और भारत विकसित हो सके, भारत के सुंदर दिन आ सके। लेकिन क्या है, यहाँ छल कपट अभी भी जिंदा है। लोग खूब झूठ बोलते, झूठ पर लोग विश्वास करते। सबसे बड़ी बात है कि ये वर्ग और जातीयता इतना करती है कि मेरी जाति के लोगों ने किसी को मार दिया और मेरे सामने ही मारा है, लेकिन मैं जाति के लिहाज के कारण यूँ नहीं कह सकता कि इस आदमी ने यह अपराध किया, मैं उसे छुपाने का प्रयास करता हूँ। आम आदमी उसे छुपाने का प्रयास करता है, उस अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता। सामने वाले की भले गलती नहीं है बेचारे की, वो बेचारा वैसे ही मरा है, उसको पीटा है, दबका है, उत्पीड़न किया है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है, लेकिन मेरी जाति वाले ने किया है, इसलिए मेरा काम बनता है कि मेरी जाति के लोगों को मैं बचाऊं। अब जब अन्याय को संरक्षण मिल गया तो अन्याय तो और बढ़ने वाला है, अशांति तो और भी होने वाली है। तो इस वजह से हमको चाहिए कि भारत में, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा और सभी संविधान निर्माताओं ने कहा कि लोकतंत्र तभी स्थायी हो पाएगा, लोकतंत्र तभी देश को विकास दे पाएगा जब तक लोकतांत्रिक समाज नहीं बनेगा। यहाँ जनतांत्रिक समाज बनने की बजाय यहाँ तो वर्ण और जाति का समाज है, तो एक दूसरे को स्वीकार ही नहीं करते, एक दूसरे के अहम में ही बने रहते। जो ये टकराव बना रहता है, कटुता बना रहता है, ये बिना बौद्ध धर्म के, बिना मानवता के, ये कटुता खत्म होने वाली
नहीं है। जिन लोगों ने जाति के नाम से फायदे लिए हैं, अधिकार लूटे हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि आम आदमी को वो अधिकार मिले। इसलिए सत्ता के जरिए ही, धर्म शासन के जरिए ही अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए कहा है, क्रिएट ए न्यू सोसाइटी अकॉर्डिंग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस एंड प्रिसेप्ट। शील पर आधारित चाहिए समाज का पाया कौन क्या होना चाहिए, शील होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय होना चाहिए। इससे ही भारत बहुत सुंदर भारत बन सकता है, विश्व का भारत बन सकता है। और इन्हीं तथ्यों की वजह से, इन्हीं तथ्यों की वजह से भारत पूर्व में भी ऐसा बोलना चाहिए संसार का गुरु बना। ये बुद्ध के कारण ही बना, किसी और के कारण नहीं बना। इसलिए फिर से भी भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो इन तत्वों पर आधारित समाज हमको बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए पहले व्यक्ति को बनना पड़ेगा, व्यक्ति बनेगा तो परिवार बनेगा, परिवार बनेगा तो समाज बनेगा, और समाज बनेगा तो सारा देश बनेगा और विश्व में भी परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज आपने भगवान बुद्ध और उनके धम्म के विषय में जो ज्ञानवर्धक ऊर्जावान जो बातें बताई, और जो आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग के विषय को लेते हुए विश्व गुरु बनने तक की जो आपने पटकथा इस वीडियो में आपने बताई, उसके लिए मेरा चैनल और मैं स्वयं आपका बहुत बहुत कृतज्ञता अनुभव करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। तो अंत में बंदे ही निवेदन करता हूं कि आप मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। देश के जो कर्णधार हैं वो नेता हैं। नेता तब तक सामाजिक चिंतन नहीं करेंगे तब तक नेता ही नहीं बनेगा कोई आदमी। जो आदमी सामाजिक चिंतन नहीं करता वो समाज की सेवा कैसे करेगा? समाज को क्या आवश्यकता है, किन चीजों से जूझ रहा है समाज? इसलिए हमारे नेता ऐसे होने चाहिए जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में विश्वास करने वाले होने चाहिए। वो जातिवाद, वर्णवाद को बढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। तभी हमारा सामाजिक चिंतन पूर्ण होगा और इस देश का विकास होगा। इसी मैसेज के साथ मेरा सबको बधाई देता हूँ। आपने मुझे इंटरव्यू करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको और आपके चैनल को, स्ट्रगल ऑफ द इंडिया, स्ट्रगल ऑफ द अम्बेडकर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सुंदर भारत की कल्पना करता हूँ कि जो लोग सुनेंगे वो इस बात पर जरूर प्रयास करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।